रसिया और यूक्रेन के बीच जिस तरह के हालात हैं उसे देखने से यह लगता है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो, क्योंकि इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ये कहा था कि मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसी होगी, पर चौथा विश्व युद्ध लकड़ियों और पत्थरों से होगा। रूस को अचानक यूक्रेन पर हमला करने के कारण अमेरिका काफी गुस्से में है और इस कारण से अमेरिका ने रूस के हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने स्टेटमेंट दिया न्यूक्लियर अटैक की। तो क्या यूक्रेन और रशिया के बीच ये जंग पूरी विश्व युद्ध का कारण बनेगी? तो पहले ये देखते हैं कि किस कंट्रीज के पास कितने वेपन्स हैं। तो कुछ स्टेटमेंट के अनुसार दुनिया के 90% वेपन्स रशिया और अमेरिका के पास है, जो कि हजारों में है, और जो बाकी के कंट्रीज के पास वेपन्स है वो बस 100 हैं, जिसमें तो कई रिटायर्ड डिप्लॉयड बस बना कर रखे हैं, या ये कहें कि बस सजावट के लिए रखा है। वर्ल्ड वॉर जब होगा तब होगा, पर रशिया के हर चीज पर यूएस द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि अगर आप हमारे हर चीज पर बैन लगा रहे हैं तो हम आपके स्पेस स्टेशन पर काम क्यों करें, और अगर ऐसा हुआ तो 400 पाउंड का वेट के ये फुटबॉल के साइज का स्पेस स्टेशन नीचे गिरने लगेगा। इनफैक्ट रशिया पर इसके गिरने का 1% भी चांस नहीं है, वो इसलिए कि इसकी ऑर्बिट पार्ट रशिया के ऊपर नहीं जाता, अर्थात ये कि अगर स्पेस स्टेशन कहीं रुक भी जाए तो वो अमेरिका में गिर सकता है या चाइना में, और भारत में भी अगर ऐसे सिचुएशन हुए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि युद्ध किस स्तर तक पहुंच सकता है, क्योंकि अगर ये किसी भी अलग अलग देशों पर गिरने लगे तो युद्ध की स्तर और भी बढ़ जाएगी। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगला विश्व युद्ध जो होगा उसमें जमीन से ज़्यादा स्पेस का युद्ध होगा। पर यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, यानी कि किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में जाकर गिराने की क्षमता है, और ये देश इस सिस्टम को प्रोटेक्शन के तौर पर प्रोटेक्ट करते हैं